राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासतें शुरू हो चुकी है। वहीं पर चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। वहीं बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 41 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए गए हैं। मेवाड़ वागड़ में भी बीजेपी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। वहीं डूंगरपुर में प्रत्याशी के उतारने के बाद अब विवाद शुरू हो चुका है। जो भाजपा के कार्यकर्ता है वह फिर से मैदान में उतर गए हैं और फिर से विरोध करने लगे हैं, टिकट को लेकर विरोध जता रहे हैं। जिस तरह से डूंगरपुर में बंसीलाल कटारा है उसे टिकट दिया गया है। बताते हैं कि बंसीलाल कटारा है वह नर्सिंग ऑफिसर रहा है, उसके बाद अब उसका विरोध बीजेपी के कार्यकर्ता है जो जमकर कर रहे हैं। मंगलवार को भी बीजेपी के जो कार्यालय पर है वहाँ पर जो बीजेपी के जो स्थानीय कार्यकर्ता है उन्होंने जमकर हंगामा किया और उन्हें टिकट देने की बात कही है। जिस तरह से पूरे प्रदेश में बीजेपी ने जो 41 सीटों पर टिकट दिए हैं, ऐसे में कई जगहों पर जो कैंडिडेट है उनका विरोध शुरू हो गया है। जो स्थानीय लोग हैं वह उनमें टिकट देने की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर में भी यही हुआ है, जो स्थानीय लोग हैं वह उन्हें टिकट देने की मांग कर रहे हैं। जो विरोध जता रहे हैं वो उन लोगों का कहना है कि जो कटारा है बंसीलाल कटारा वह नर्सिंग ऑफिसर है और उसने न तो रिटायरमेंट लिया और न ही कुछ किया, उसके बाद भी पार्टी ने उसे टिकट दे दिया गया। स्पष्ट तौर से जो कार्यकर्ता है वह सीधे बंसीलाल पर आरोप लगा रहे हैं कि वह बीजेपी के जो कार्यक्रम हुए हैं उसमें कभी आया नहीं और उसे टिकट दे दिया गया। जो कार्यकर्ता विरोध जता रहे हैं उन्होंने मंगलवार को भी बीजेपी कार्यालय है वहाँ पर हंगामा किया और जो एक कार्यकर्ता तो जिला अध्यक्ष के सामने रोने भी लग गया। ऐसे में वहाँ लोग थे उन्होंने चुप भी कराया। उसके बाद अब फिर से विरोध गरमाने लग गया है। जो लोग हैं वह कह रहे हैं कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है उन किसी में से एक को टिकट दे दिया जाए, सभी आपस में समझौता कर लेंगे, लेकिन जो बंसीलाल कटारा को टिकट दिया गया उसमें सभी असहमत है। ऐसे में विरोध शुरू हो गया है। जो लोग स्पष्ट तौर से कह रहे हैं कि अगर उन्हें टिकट नहीं मिलता है तो पार्टी में जिस भी पद पर है उनसे वहाँ से इस्तीफा दे देंगे, उसके साथ पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में भाग नहीं लेंगे। ऐसे में अब बागी होने की संभावनाएं भी तेज हो चुकी है। अब बीजेपी के जो बड़े नेता है वह समझौता करने में जुटे हुए हैं, उन्हें समझाने में लगे हुए हैं कि कहीं समझें तो फिर से उन्हें जो है साथ लेकर चला जा सके। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से 41 सीटों पर भी इस तरह से विवाद शुरू हो गया है तो आने वाली जो दूसरी सूची होगी, तीसरी सूची होगी, उसमें तो और तेज विरोध देखने को मिल सकता है। TV9 के लिए राजेश डांगी।